धक्का मुक्की, क्योंकि सभी चाहते हैं अपने अजीज नेता को स्वागत करना चाहते हैं और अजगर माला के साथ ये आज सोनीपत लोकसभा का जो 9 विधानसभा है, आज ये 9वीं विधानसभा सफेदों का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आज पूरा दिन क्या ग्रामीण एरिया में भी प्रवास का कार्यक्रम रहेगा। जीत को लेकर क्या कहेंगे? ये जिस प्रकार का जोश, उत्साह और कार्यकर्ताओं का जो भाव बढ़ा है, उससे लगता है कि बहुत बड़ा मार्जिन 5 लाख से ज्यादा वोटों से सोनीपत लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिला। मोदी बड़ा फैक्टर है या फिर विपक्ष नकारा है, सामने नहीं आ ये है, ये तो ये मोदी जी के काम, मोदी जी की सेवा, मोदी जी ने जो जन कल्याण के कार्य किए, ये मोदी जी के किए हुए काम, 10 वर्षों की लगातार जो सेवा की है, जो देश के गौरव को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये सब इलेक्शन उसी पर चलेगा और मोदी जी के नाम पर ही हम इलेक्शन लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगेंगे। मोहनलाल बड़ोली कितना बड़ा फैक्टर होने वाले हैं? वो खुद बड़ोली भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है और ऐसे मोहनलाल बड़ोली जैसे यहाँ लाखों कार्यकर्ता हैं। इस विधानसभा में पन्ना प्रमुख तक का भी कार्यकर्ता मोहनलाल बड़ोली जितनी ताकत लगा के इस चुनाव को लड़ेगा और कार्यकर्ताओं के दम पर हम भारतीय जनता पार्टी की ये सीट जीतने का काम करेंगे। सांसद जीतने के बाद सफेदों की ओर रुख नहीं करते, आपका क्या विचार रहने वाला है? मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता को बीच में रहा हूँ और पूरा समय सांसद बनने के बाद भी यहाँ सफेदों विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए रहेगा, जनता के लिए रहेगा, जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने का काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा मोहनलाल बड़ोली जी यहाँ पर पहुंचे थे, लगातार उन्होंने पत्रकारों से भी बात की और लगातार वो कह रहे हैं कि जनता का नुमाइंदा हूँ। आपको बता दूं, संघ की पृष्ठभूमि रही है मोहनलाल बड़ोली की, विधायक वो राही से रहे हैं, उसके बाद उनके कामों को देखते हुए, उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए लगातार उनको आगे बढ़ाया गया है और अब उनको सांसद बनाया गया है, चेयर